वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ पैनकेक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 6 अदद केले लिए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से काटूंगी। तो इसमें मैं डालूंगी 2 एग, 1 कप दूध। तो ये मैं डाल रही हूँ ग्राइंडर में, और साथ 5 से 6 अदद मैंने चम्मच चीनी की डालनी है। अब मैं इनको ग्राइंड करूँगी। बाउल में डाल लिया, ये सारी चीज़ें अब जान हो गई हैं। ये मैंने अच्छी तरह छान के मैदा लिया है, 1 कप ये वाला, और साथ में मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, और इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये इतना मिक्स करना है कि इसमें ये गुठलियाँ ना रहे मैदे की। चाहे आप मक्खन लगा लें, इस तरह ग्रीस कर लें, या देसी घी का ग्रीस कर लें, जो आपका मन चाहे वो कर लें। आप इसको बिल्कुल दरमियान में आप ये देखें डालें, इतना सा। तो ये देखें कितना प्यारा सूती से गोल बन गया है। ये बिल्कुल पतली सी तरह लगी है, और ऊपर बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं इसके। माशाल्लाह, ये देखें मैंने इसकी साइड चेंज की है। 3 मिनट मैंने इधर से पकाया, आप 3 मिनट मैं उधर से पकाऊंगी, और फ्लेम भी मैंने बिल्कुल दरमियान ही आंच रखी है। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। ये देखें बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार बना है। तो ये देखें, ये दूसरा मैंने डाला है, ये भी इसी तरह बनाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने बना ली है। ये अब चाय भी मैंने रखी हुई है, चाय भी बना रही हूँ शाम की। इसे अगर आपने और मज़ेदार बनाना है तो इसके ऊपर हम शहद भी डाल सकते हैं, और मेरे बच्चों को शहद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं शहद नहीं डाल रही, इसी तरह हम खाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ये बना लिया है, साथ चाय बनाई है। मेरे साहब जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारी बेगम ने आज ये को पैन केक कहते हैं इसे, ये बनाया है, और हम तो तख्ता मस्त बने हुए हैं। जब से छुट्टियां हैं हम बस रोज़ कोई ना कोई नई डिश खा रहे हैं। कभी तो बहुत अच्छी होती है, और कभी माशाल्लाह होती है। और अभी जो है वो देख रहे हैं कि कैसा है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको ट्राई करता हूँ, आप भी देखें और पूरी तरह से लुत्फ़अंदोज़ हों। बहुत मज़ेदार है, आप भी ट्राई करें। मेरे साथ मेरी एक शहजादी है, दूसरी शहजादी जो है नमाज पढ़ रही है, बेटियां दोनों वो जो हैं वो नमाज पढ़ रही है और हंस रही है कि पापा क्या कह रही हैं। ये खा के मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। बेगम आपने आज कमाल कर दिया। अल्लाह हाफिज़।